अगली खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां श्री केदारनाथ धाम में दो नई गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक कारें सेना के भारी मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर से सुरक्षित उतार दी गई हैं, जिसको लेकर जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम में कुछ समय पहले महिंद्रा की थार कारें पहुंचाई गई थी। इसके तहत ही शनिवार को गौचर हवाई पट्टी से चिनूक हेलीकॉप्टर की दो सारथी में गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक दो कारें धाम में सुरक्षित उतार दी गई हैं। जानकारी के अनुसार यह गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक कारें बैटरी से चलने वाली हैं। इसे यूकाड़ा व प्रशासन की स्वीकृति के बाद डीडीए में लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल डिवीजन ने खरीदा है। वहीं एक इलेक्ट्रिक कार की कीमत लगभग 4 से 5 लाख के बीच बताई जा रही है। इन कारों को केदारनाथ धाम में संचालित करने में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। केदारनाथ धाम में यह दोनों गोल्फ कार्ट कारें कठिन परिस्थितियों में हेलीपैड से मंदिर परिसर तक यात्रियों को पहुंचाएंगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।